अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। गला अभी तक नहीं ठीक हुआ, मेडिसिन भी लेके आया था लेकिन नहीं, इसी तरह सिचुएशन चल रही है क्योंकि कभी ठंडा कभी गर्म, यहाँ पे भी वही चीज़ ही है। तो कंट्रोल किया काफ़ी हद तक लेकिन हुआ नहीं है। लास्ट व्लॉग कैसे लगे आप लोगों को, मज़ा आया कि नहीं आया? आज हम लोग कुछ और दो तीन चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आप लोगों को लेके चलेंगे वहाँ पे भी। आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। जो यहाँ पे आके आप लोग एंजॉय करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, वीडियोस में भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे और इस टाइम जो बिल्कुल ही अभी जो उनसे वो खाली रोड है, लोग सो रहे हैं इस टाइम, होटल्स बंद हैं। मैक्सिमम अभी टाइम 7:45 हुआ है, 8:15 तक जो उनसे वो हम लोग लीव कर जाएंगे यहाँ से। पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह देखते हैं यहाँ से करते हैं, या हो सकता है यहाँ से निकल के किया जाए। सो गाइस, बाइक्स रेडी हैं और अभी हम होटल ढूंढने लगे नाश्ते के लिए, निकले जी। नाश्ता हो चुका है इस टाइम और 9 बज गए हैं। इंशाल्लाह ताला 4 घंटे के अंदर हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे जो कि है पंचपी रॉक्स। अभी निकल रहे हैं यहाँ से और मरी से होते हुए हम लोगों ने वहाँ से पंचपी रोक जाना है। देखते हैं कि वो क्या सिचुएशन बनती है आगे, हमें एंटर होने दिया जाता है या नहीं दिया जाता, और उधर से कौन सा रास्ता और निकलेगा, फिर तो वो आगे ही पता चलेगा क्या बनता है। इस दफ़ा तो होटलिंग की है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जौन सा मौका मिला तो कैंपिंग के साथ जौन सा टूर होगा। रास्ता बना हुआ ना, ये अभी बनाया उन्होंने, पहले यहाँ से जाते थे आगे आगे, बिल्कुल वसी पहाड़ ऐसे स्ट्रेट है, बहुत प्यारा जंगल है, तो अक्सर लोग हैकिंग करते हैं यहाँ पे जाके। सही, अभी तो नहीं जाने की इजाज़त होगी मेरे ख्याल से, जा सकते हैं देखने के लिए। अच्छा अच्छा, सिर्फ वहाँ तक ना, उसके ऊपर चढ़ के वहाँ से आप देख सकते, सामने नजर आएगा। सही हो गया। लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि बाइक जो सी है वो मिसिंग कर रही है, तो फिर मैंने मैकेनिक को फ़ोन किया, उसने बताया कि ऑक्सीजन की वजह से जो सी है ये करेगी EF, या अगर इंजन हो तो वो नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली जो सा वो सारा कुछ एडजस्ट कर लेगी बाइक। ये जो हमारी जैसी बाइक्स हैं ये जो सी है ये मिसिंग करती हैं। इसका हल ये है एक कि इसका जो सा है वो फ़िल्टर निकाल लिया जाए और फिर जब हम लोग वापस अपने गर्दोगुबार वाले एरिए में जाएँ तो वहाँ जाके जो सा है उसको फिर दोबारा डाल लिया जाए फिल्टर को, फिर जो सा वह मिसिंग कम करेगी। तो लेफ्ट साइड पे जो ऊपर रोड जा रही है यूविया को जा रही है, यूविया चे लिफ्ट भी उधर ही है अवेलेबल, बट लाइफ टाइम में मैंने कभी भी चे लिफ्ट नहीं ली अभी तक, कोई ना कोई मौका मिलेगा जरूर इंशाल्लाह ताला फिर लेंगे। नहीं नहीं, इधर से जो निकलते हैं बस यही वाला रोड, नहीं नहीं उधर क्या लेने जाना, कुछ भी नहीं है उधर। यहाँ से अभी 86 किलोमीटर पड़ा हुआ है, 4 घंटे का सफ़र पड़ा हुआ है, तो चलते हैं 4 घंटे 86 किलोमीटर। हाँ हाँ जी, तो टाइम होगा 9:30 हो गए हैं ना, तो 9:30 के बाद देख लें कितना टाइम लगना आगे। 9:30 10 कर लेते हैं ना, 11:12 1:02 2 बजे पहुँचेंगे हम लोग वहाँ पे, एक दो घंटा बैठना भी है, फिर कितने बजे निकलेंगे वापस। जगह पे बैठ के ना नाश्ता करना चाहिए था, व्यू चेक करें और फ्लावर कितना ज़्यादा लगे हैं हमें, उधर कोई हाइकिंग ट्रैक भी बना हुआ सामने जो सा है, अमेजिंग व्यू है यार माशाल्लाह। लेकिन धूप है इस टाइम इतना ज़्यादा, छाँव तो जैसे ये लगी हुई है छतरी, इसके नीचे बैठ के नाश्ता करें, साथ में ठंड ठंडी हवा और साथ में ऐसा व्यू, बहुत मज़ा आए। खैर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो गूगल मैप है वो समटाइम गलत रास्ते पे भी डाल देता है, तो वाकई आज वो मेरे साथ भी हो गया, क्योंकि मेरे साथ पहले भी हो चुका हुआ है फिर दोबारा हो गया, तो इसलिए जो उनसे ना मैप के ऊपर ख़ुद भी चेक कर लिया करें और पूछ लिया करें किसी से,
तो हम लोग बहुत ही गलत रास्ते जा रहे थे, और जब हमने पहुंचना था हमने कहना था ओहो तकरीबन 60-70 किलोमीटर हम लोग आगे जाके फिर हमें वापस आना पड़ना था, लेकिन बचत हो गई इस टाइम, वापस हम लोग निकल गए हैं और बस थोड़ा सा ही है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर हम लोग आगे आए हैं। हम लोग जो सा वो मरी एक्सप्रेस की तरफ जाने के बजाय ना हम लोग सीधा गुजर गए थे, तो अब हम लोग मरी एक्सप्रेस की तरफ निकलने लगे हैं। जो मरी एक्सप्रेस की तरफ रोड जा रहा है मुस्तफ़ा बाद वो रोड कहलाता है। जो सा मरी एक्सप्रेस से थोड़ा सा आगे ये पत्रियाटा वाली साइड पर ही हम लोग यहाँ पर नीचे उतर जाएंगे। अब हमने कोटली सतियाँ और इस साइड पे जाते हुए होके जाना है, और सूरज अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है, बता रहा है कि जल्दी जल्दी पहुँच जाओ और बेहाल हो जाओ पसीने के साथ वहाँ पे जाकर। बड़ी छोटी सड़क है यार यहाँ की, तो इस टाइम ये राइड को क्योंकि छोटी सड़क है और जिग जैगिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, और साथ में दरख्त घने घना जंगल है ये वाला, बहुत ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है, खामोशी है और वेदर भी बड़ा अच्छा है। उन्हें 2 घंटे का सफ़र अभी बाकी है, तो इंशाल्लाह ताला कवर अप हो ही जाएगा। अभी 11 बजे हैं, तो 12:30 बजे तक उम्मीद पूरी है कि हम लोग ये कवर कर लेंगे। उन पंच पीर की रॉक्स पे जाके ही जोन सा ना वो हम लोग रेस्ट करेंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये जो रास्ता ना ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग सिरी पाए की तरफ जाते हैं ना वो वाला लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी इसी तरह, लेकिन वो रोड थोड़ा सा खुला और कहीं कहीं कच्चा भी है। काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ 2013 की रोड के बारे में, लेकिन आपका पता नहीं है कि अभी शायद हो सकता है कंस्ट्रक्ट हो गया हो। अभी ये वाला रोड जो से ऊपर कोटली सतियाँ की तरफ जा रहा है, जो कि परचन हिल टॉप है और बुर्ज है और फुफंडी हिल टॉप। अच्छा वैसे यहाँ पे भी हिल टॉप है, ये वाला भी देखना चाहिए, लेकिन अभी जो से हम लोग ने राइट साइड पे जाएंगे और जो हम अपना जो टॉप है वो वाला देखेंगे पंच पीर का। छोटा सा यहाँ पे शहर, दुकानें वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ से जो है तकरीबन 15 किलोमीटर का जो सा वो सफ़र रह जाएगा फिर हमारा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, चेक करें ये कब्र काफ़ी बड़ी है, और ये आई थिंक लाल बादशाह जोन सा है, ये आई थिंक ये वो वाली जगह लग रही है। कहा था लेकिन 20-25 मिनट रुक गए यहाँ पे, और अभी निकलने लगे हैं पंच पीर की तरफ पे। जो दरबार बना हुआ है 2 कब्रें यहाँ पे, नाम नहीं लिखा हुआ ये किसका है, इनको चाहिए कि कोई ना कोई निशानी यहाँ पे रखनी चाहिए। ठंडी हवा चल रही है और दिल कर रहा है कि बस यहीं पे लेट जाओ, टेंट सेटअप करो और लेट जाओ। ऐसे यहाँ कैंपिंग होनी चाहिए, बड़ा मज़े का यार। तो इसको इसी तरह खा जाना है, इसको छील के सही हो गया। और भी है अंदर देखो, और ये तो भगवान से लिंकन निकालना मुश्किल है। अच्छा अच्छा सही, निकालना भी मुश्किल। हाँ वो गिर गया, बड़ा मजे का यार। वो उस जैसा लग रहा है जैसे काजू वगैरह नहीं होता, उस तरह का लग रहा है।